VARC भैया VARC पे वीडियो बनाओ, हो ही नहीं रही है VARC, RC सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ना VA हो रही है, क्या करूं? क्वांट अच्छा जा रहा है, LRDA अच्छा जा रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि VARC की वजह से कैट रह जाएगा। तो इफ यू आर समवन हु फील कि यार बाकी सब मेरा अच्छा चल रहा है बट VARC की वजह से शायद मेरा कैट रह जाए एंड बहुत बुरा कर रहा हूँ VARC में, तो ये वीडियो आपके लिए। स्पेशली बता दूं यार, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी VARC बहुत ही बेकार है और उनको कट ऑफ क्लियर करनी है 70-80% वो सोच रहे हैं, बट जो मैं आज आपको चीज बताऊंगा उसके आपके 70-80% ही नहीं 90-95% भी आ सकते हैं। बट ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी 90-95% स्कोर कर रहे हैं VARC में एंड 99 पे जाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। सो अगर आप फर्स्ट क्राइटेरिया में लाइक करते हो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि मैंने खुद का एक 6-स्टेप मॉडल बनाया है जो आपको फॉलो करना होगा एंड मैं काफी ऐसी नई चीजें बताऊंगा जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। तो लेट्स फर्स्टली अंडरस्टैंड ये VARC का सेक्शन है क्या। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें कितने एग्जैक्टली नंबर चाहिए। तो सी, मोस्ट ऑफ द आईएम्स उनकी सेक्शनल VARC की कट ऑफ होती है 70-80%, मैक्सिमम होगी 85%। और पता है 70% लाना है तो अराउंड आपको 18 नंबर चाहिए, अगर आपको 80% लाना है तो अराउंड 21 नंबर चाहिए, एंड वहीं आपको 90% लाना है तो आपके अराउंड 26-27 नंबर में 90% भी आ जाएगी। और अगर इनको क्वेश्चन में ब्रेक करें यार, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अगर हम 100% एक्यूरेसी से करें 70% हम सिर्फ 6 क्वेश्चन करके ला सकते हैं, वहीं 85% 80% आप लगा लो 7 क्वेश्चन करके ला सकते विद 100% एक्यूरेसी, तो बहुत ज्यादा नहीं है। अब बातें हैं कि करना क्या है। देखो जो हमारा सेक्शनल होता है VA और RC, VA के आते हैं अराउंड 8 क्वेश्चंस एंड RC के आते हैं 16 क्वेश्चंस। पहले बात करेंगे RC's की, जो ये RC's के 16 क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं 4 पैराग्राफ्स यानी कि 4 RC's इंटू 4 क्वेश्चंस। अब ये भी हमेशा डिवाइडेड होते हैं। सी जनरली क्या होता है, जो ये 4 RC's आते हैं ना इनमें से एक तो होता है बहुत ज्यादा मुश्किल, दो होते हैं मीडियम लेवल के और एक होता है बहुत ईजी लेवल का। तो सबसे पहले तो हम ये स्किल सीखेंगे कि भाई ये बहुत मुश्किल वाले को निकाल दें, ठीक है, ये मुश्किल वाला निकालना है तो सबसे इजी वाला चूज करना है। हम इजी वाला चूज करेंगे और फिर ना प्रायोरिटी लिस्ट बना लेंगे, यार पहले नंबर पे मैं इसको करूंगा, दूसरे पे इसको करूंगा, तीसरे पे इसको करूंगा, ठीक है, ये होती है हमारी फाइनल स्ट्रेटेजी। नाउ सी इन पैसेजेस में डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस आते हैं, जैसे कि बिजनेस के रिलेटेड, साइंस के रिलेटेड, जनरल, उसके बाद टेक के रिलेटेड, फिलोसफी एंड मे बी सब इकोनॉमिक्स के एंड ये सब चीजों के। अब इनमें से भी क्या होता है, कुछ पैसेजेस बहुत इजी होते हैं, वो तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हारे लिए कौन सा इजी है, तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा जो मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा चूज करना है एंड कौन सा निकालना है हमें, यानी कि एलिमिनेट करना है। बट अब मेन प्रॉब्लम आती है कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पैसेज इको का है, कौन सा बिजनेस का है, कौन सा फिलोसफी का है एंड कौन सा साइंस का है। ये अगर तुम मैनुअली ढूंढने बैठोगे, एक एक टेस्ट को जाओगे, मे बी पास सिर्फ पेपर्स पे जाओगे ढूंढ के निकालोगे, बहुत टाइम लगेगा। उसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन मैं देता हूँ जो आज की वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं, ओसवाल बुक्स। ये बुक काफी प्यारी बुक है, इस बुक का नाम है 10 ईयर्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। इसमें लास्ट 10 ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस आए हैं टॉपिक वाइज दिए हैं एंड सेक्शन वाइज दिए हैं। सो लेट्स एग्जांपल हम पहले लेते हैं VARC का सेक्शन, मेरे सामने ही बुक है। अगर हम देखें यहाँ मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का एक RC दे रखा है, तो इसमें बताया होगा कि 2017 का ये RC है, स्लॉट 1 का RC है, फिर RC दिया, फिर उसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब तुमने यहाँ से सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन चाहिए होगा, सॉल्यूशन भी पीछे गिवन है। सी ये चीज तुम मैनुअली भी कर सकते हो इंटरनेट पे जाके, बट तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, यहाँ से तुम्हारा टाइम बचेगा, सब चीजें एक जगह मिल जाएंगी एंड तुम्हें आइडिया भी होगा कि लेट्स से अगर तुम मैनेजमेंट के सभी पैसेज कर पा रहे हो तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड जो तुम्हारा वीक पॉइंट है उसको मैं नोट करके रख लूं। तो इफ यू वांट टू बाय दिस बुक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं सब लिंक्स अटैच कर दूंगा, अमेज़न से भी बाय कर सकते हो, इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो। तो अब आते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी भैया, पढ़ना कैसे है। सी जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा तुम एक महीना या दो महीने ही फॉलो करो, तुम्हें 100% रिजल्ट दिखेंगे, मैं 100% की बात कर रहा हूँ, ना दिखे तो तुम इस वीडियो पे वापस आके गाली दे देना, बट अगर तुम्हें एक महीने के बाद भी रिजल्ट दिखे आगे कमेंट वापस से जरूर करना, तभी मैं आगे दोबारा इसका कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। तुम्हें एक चीज कमिट करनी ही होगी, जो तुम्हें मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तो अगर एक महीने के लिए भी फॉलो कर रहे हो ना, तुम्हें हर रोज 2 घंटे देने हैं VARC को, 2 घंटे की प्रैक्टिस तुम्हें चाहिए ही चाहिए। अब स्टार्ट कैसे कर रहा हूँ, कुछ और नहीं करना है, कुछ और वीडियोज मत देखो, कुछ और तुम बहुत ज्यादा मत देखो कि यार क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं। अब एक चीज बहुत सिंपल है, वो है कि तुम्हें 2 घंटे करना है। 2 घंटे में क्या होगा,
प्रैक्टिस करने 2 घंटे, 1 घंटे आरसीज, 1 घंटे एनालिसिस। अब इसका मतलब ये नहीं है 1 घंटे में 3 आरसी किए और उसको 3 एनालिसिस कर लिया, नहीं। इसमें हम फॉलो करेंगे 20-20-20 रूल। इसमें क्या है यार, 20 मिनट में तुम एक आरसी सॉल्व करोगे, 20 मिनट ही उसको एनालाइज करोगे, अब फिर से 20 मिनट सॉल्व करोगे, एनालाइज सॉल्व एंड एनालाइज, इससे तुम 2 घंटे में 3 आरसीज कर दोगे। अगर तुम ज्यादा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा, कम भी कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि धीरे धीरे तुम अपनी स्पीड पे काम करोगे। अब मैं ये भी बताऊंगा इसको एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना है और एग्जैक्टली एनालाइज कैसे करना है, तो ध्यान से सुनना। मैंने एक 6-स्टेप मॉडल बनाया है जो बहुत ही इफेक्टिव होगा, जो तुम कर पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा रीड। अब रीड में क्या है, तुम्हें आरसी रीड करते जाना है, लेट्स से तुम रीड कर रहे हो। सेकंड स्टेप आता है राइट। राइट में क्या है, तुमने एक पैराग्राफ रीड किया, उसके साइड पे लिख लेना है कि तुमने क्या सीखा, लाइक एक लाइन की समरी लिखनी है तुम्हें। अगर तुम लैपटॉप से कर रहे हो तो तुम अपनी नोटबुक में सिर्फ एक लाइन में अपनी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि एग्जैक्टली उस पैसेज में क्या हुआ। लेट्स से कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ तो लिख लेना कि तुम्हें स्टार्ट हुआ एंड ये उसके मेन पॉइंट्स थे। सेकंड, फिर अगेन सेकंड पैराग्राफ कर रहे हो, उसमें भी तुम्हें सेकंड पैराग्राफ की 1-2 लाइंस लिख लेनी है। इस तरह लेट्स से अगर 5 पैराग्राफ भी है ना एक आरसी में, तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी 10 लाइंस हो जाएंगी। 20 मिनट काफी है सब करने के लिए। अब थर्ड पॉइंट आता है समराइज। तुमने जो सब लाइंस लिखी है ना, तुम्हें इससे गो थ्रू करना है, तुम्हें बस आंखें बंद करनी है एंड तुम्हें इमेजिन करना है कि यार अच्छा फर्स्ट में ये हुआ था, सेकंड लाइन पढ़ना है अच्छा सेकंड में ये हुआ, उसको लिंक करना है क्योंकि ये ओवरऑल स्टोरी थी एंड लास्ट पे खत्म क्या हो रही है, कुछ कंक्लूजन निकल भी रहा है या नहीं निकला है, ठीक है, ये तुम्हें समराइज कर लेना है। 3 स्टेप हो गए। अब 4 स्टेप आता है सोल्व। अब इसके बाद तुम्हें सोल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तुम सोल्व करना स्टार्ट करो और तुम ध्यान रखना कि तुम किस सोच से कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें देखना है कि यार अच्छा मैं फर्स्ट को आंसर लगा रहा हूँ तो मैंने इसका रीजन क्या था, ये तुम्हें याद रखना है। ये सब करना है तुम्हें 20 मिनट में सोल्व। ज्यादा टाइम लग रहा है तो स्टार्टिंग में कोई नहीं, बाद में हम टाइम इंक्रीज कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट 2 स्टेप्स में जो हमें फॉलो करने हैं नेक्स्ट 20 मिनट में, वो है कि एनालाइज एंड राइट। अब एनालाइज में क्या आता है, तुम्हें एनालाइज बहुत ही ज्यादा अच्छे से करना है, तुम्हें सॉल्यूशंस होंगे हर चीज के। अगर तुमने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल किया तो तुम्हें सॉल्यूशन भी मिले होंगे वहाँ वीडियोस के एंड वो सब चीजें। बुक है तो बुक में सॉल्यूशन गिवन होगा। अब तुम्हें सबसे पहले आंसर मैच करना है, लेट्स से एक आरसी के 4 क्वेश्चन से। अब 4 क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है यार फर्स्ट क्वेश्चन सही था तो उसको देखा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखना है सही था, मैच किया, फिर नीचे गिवन भी होता है कि ऑथर ने क्या सोचा, मैंने क्या सोचा। अगर चीजें मैच कर रही हैं तो बहुत बढ़िया, तो ये दिमाग में बिठा देना कि हाँ ये सही था, मेरी सोच बिल्कुल सही थी, आगे भी ऐसा ही करूंगा। सेकंड में देखना कि यार गलत था तो गलत क्यों था, मैं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहा हूँ ना, तो अब ये नहीं देखना यार सिर्फ कि 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हुआ, अब ये देखना है कि एग्जैक्टली 2 ऑप्शंस में कहाँ कंफ्यूज हुआ। जो मैं पहले सोच रहा था वही है, मैंने ज्यादा नैरो पॉइंट देख लिया, ज्यादा ब्रॉड देख लिया। अगर तुम्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि ये 2 ऑप्शंस में मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो मैं एक बहुत ही प्यारी वीडियो बताता हूँ जो मैंने खुद ने देखी है, मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी, वो है श्वेता अरोड़ा की ये वीडियो, जिसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उसमें उन्होंने ऐसे 14 मेथड्स बताए हैं जिससे क्वेश्चन तुम गलत चूज करते हो। आई स्वेयर मुझे VARC की बेस्ट वीडियो लगी जो श्वेता अरोड़ा ने बनाई है, जो श्वेता अरोड़ा ने आगे शबाना मैम से सीखा था। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप दोनों वीडियोस देखो, श्वेता अरोड़ा की भी शबाना मैम की भी, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है टाइम स्टैम्प के साथ। एंड ट्रस्ट मी, ये तुमने सीख लिया ना, जो तुम 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हो ना, तुम्हारी वो प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो अभी तुमने ना वो वीडियो देख ली होगी और अब तुम्हें पता होगा कि यार मैं जो भी गलत कर रहा हूँ ना, उन 14 हेड में से ही कहीं ना कहीं कर रहा हूँ। तुम्हें अपनी ना एक्स्ट्रा एक डायरी लेनी है, ये जरूर से बनानी है तुम्हें नोटबुक, ये होगी VARC की नोटबुक, कुछ भी नोटबुक होगी तुम्हारी, उसमें लिखना है मेरी अभी फर्स्ट आरसी में कौन सी मिस्टेक हुई, लेट्स से वो 14 हेड्स हैं उसमें से मेरी ये कंफ्यूजन हुई एक्स, ठीक है, ये 1 लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन था वो इस पे गलत हुआ, थर्ड इस पे गलत हुआ, ठीक है। सेकंड आरसी करोगे, सेकंड आरसी का हेड लगाना है, उसके ऊपर ये लिख देना है, ठीक है। सेम चीजें फॉलो करती जानी है, इससे क्या होगा तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्ट कौन से वाली हेड की प्रॉब्लम मैं बार बार कर रहा हूँ। तुम इन एंड ऑफ 1 डे या फिर 1 वीक देखोगे ना, 1 वीक में लेट्स से तुमने 21 आरसी कर लिया, अब तुम्हें पता चलेगा 21 आरसी में मेरी कौन सी प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है। लेट्स से उनमें से जो 14 मैंने आपको बताया फंडाज हैं, जो श्वेता अरोड़ा के वीडियोज में आपको मिल जाएंगे, उन 14 फंडाज में से लेट्स से तुम्हारी नंबर 5 का फंडा बार बार गलत हो जा रहा है, तुम्हें समझ आ जाएगी यार अच्छा अभी इस पे मेरे को काम करना है। तुम एग्जैक्टली अपनी गलती पकड़ पाओगे, गलती पकड़ ली तो ऑब्वियसली सोल्यूशन मिल ही जाता है। इससे अब लास्ट पॉइंट क्या आता है, रिपीट। वही करना है तुम्हें, 6-स्टेप मॉडल फॉलो करते जाना है। जब सॉल्व करोगे रीड, साइड पे राइट, लास्ट में समराइज एंड देन सॉल्व, रीड राइट समराइज सॉल्व, देन उसको एनालाइज एंड राइट,
राइट कहाँ करना है, तुम्हें अपनी नई डायरी होगी, नई नोटबुक होगी, वहां पे अपनी सभी मिस्टेक्स दोबारा लिखते जाओ। ये करोगे तो आई बिलीव तुम्हारी जो मार्क्स आ रहे हैं, मे बी अभी नेगेटिव में भी है, तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। तुम्हारी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, तुम्हारी टाइम इंक्रीज होगा, तुम सबसे बड़ी गलती कम करोगे। गलती कम करने से एक तो नेगेटिव नहीं होता और पॉइंट भी बढ़ता है। एंड लेट्स से अगर तुमने 2 महीने के लिए फॉलो किया या एक भी महीने के लिए फॉलो किया, हर रोज 3 पैसेज कर रहे हो, 30 दिन के लिए किए, भाई 90 आरसीज, तुम और कुछ भी ना करो यार, एक ही चीज को तुम इतनी बार रिपीट करते जा रहे हो ना, तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। और अगर तुम बाद में भी सब छोड़ के सिर्फ ये ही आगे के लिए फॉलो करते हो, अगले 3 महीने कितने 90 दिन हो गए, एंड तुम 3-3 पैसेज रोज कर रहे हो, 270-250 आरसीज तुम कर लोगे ना, इतनी प्रैक्टिस, 100% तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे, तुम्हारी टाइम इंक्रीज होगा, तुम्हारी गलतियां कम होगी। ये फंडा मैंने अपने पेपर में यूज किया था, बट बहुत ही लेट जाके। तो अभी तुम जाओ, अगर तुम ये फॉलो करने वाले हो, नीचे कमेंट में जरूर से लिख देना, ताकि तुम 1 महीने बाद खुद से वापस आके चेक करो कि मैं कंसिस्टेंट रहा या नहीं रहा। अब है रेस तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिमाग के साथ, कंसिस्टेंट रहोगे या नहीं रहोगे। वापिस आके चाहे 1 महीने बाद गाली देना है या अप्रिशिएट करना, बट कमेंट जरूर करना कि हाँ मैं फॉलो करूंगा या करूंगी। एंड आगे का मैं नहीं बता रहा वीए का, क्योंकि क्या यार, अगर तुमने आरसीज इतने अच्छे कर लिया ना, 100% जो पैरा समरीज होती है ना, उसमें भी तुम्हारी इंप्रूवमेंट दिखेगी। अब पैरा जंबल्स, पैरा समरीज एंड पैरा कंप्लीशंस, इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा 1 महीने बाद, जब तुम लोग वापिस आओगे, कमेंट करोगे एंड 500 लाइक्स कर दोगे तब। क्योंकि मैं फालतू के नहीं बनाना चाहता, मैं इंप्रूवमेंट दिखेगी तभी हम आगे करेंगे। एंड आई एम श्योर कि मैं इंप्रूवमेंट दिखेगी अगर तुमने कंसिस्टेंटली फॉलो किया। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर एलआरडीआई एंड क्वांट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर से करना। बाय बाय।